श्रावण माह के पुनीत पावन पर्व पर इन दिनों शिवालयों में चारों ओर श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। नगर में ऐसा ही एक जायसवाल का परिवार है जो पिछले 20 वर्षों से लगातार श्रावण माह में एक माह तक मिट्टी के कण कण से शंकर बनाकर पार्थिव पूजन करते हैं। ममता ओम प्रकाश जायसवाल परिवार की श्रीमती जायसवाल ने बताया कि अल सुबह से दोपहर तक मिट्टी के कण कण से हजारों गोलियां बनाकर भगवान शिव का निर्माण किया जाता है, जिसमें मेरा पूरा परिवार मदद करता है। दोपहर को परिवार के सभी सदस्यों सहित पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ दोपहर 3 बजे तक अभिषेक किया जाता है। यह क्रम प्रतिदिन श्रावण के एक माह तक जारी रहता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पूजन श्रावण माह में क्यों किया जाता है? इस महीने का शुभ का महीना बोला जाता है और शुभ के महीने में शुभ की आराधना की जाती है और इससे जो भी इच्छा होती है अपने मन की आराधना पूरी होती है। इसका क्या महत्व है? ये रोज के लिंग बनाना मिट्टी के और रोज के प्राण प्रतिष्ठा करना, रोज उनका पूजन करना और शाम को टाइम पे उसका विसर्जन किया जाता है। कितने लिंग और मंदिर बनाते हैं? करीब करीब 1000, 2000, 2100, 2200 लिंग रोज बन जाते हैं और रोज उनका पूजन होता है। पारसी पूजन करने से क्या फल मिलता है? मन की इरादे पूरी होती है, भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं। यहाँ पर कितने वर्षों से पूजन हो रहा है? 20 साल हो गए। 20 वर्षों से पूजन किया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं? माधव प्रसाद दुबे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।